हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। जैसा कि टेट के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो आपके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हो तो आई होप टेट में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आइए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, 25 मिलीलीटर ऑफ 5 लीटर इज इक्वल टू, यानी 25 मिलीलीटर 5 लीटर का है क्या? मान लेते हैं एक्स परसेंटेज है, 5 का हमारा एक्स परसेंटेज कितना? 25 मिलीलीटर। ये क्या है? लीटर है। देखिए, यहां पर हमसे पूछा गया है कि 25 मिलीलीटर जो है, जो 25 मिलीलीटर है, 5 लीटर का क्या है? हम मान लेते हैं कि यह हमारा एक्स परसेंटेज है, तो 5 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? हमें पता है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 होते हैं। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि जब परसेंटेज को हम हटाते हैं तो 100 से क्या है, डिवाइड करते हैं, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर दो जीरो से दो जीरो, वही 25 1 25 25 2 50, तो एक्स जो है हमारा कितना आया? 1/2, विच इज इक्वल टू 0.5%। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू। टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशो ऑफ 1:2। दो सप्लीमेंट्री एंगल है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो कितने के होते हैं, जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो होता है 180 डिग्री का, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 डिग्री का। अब मान लीजिए एक्स हमारे पास कोई एंगल है तो किस रेशो में दिया है? 1:2, तो हमें पता है कि सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री दिया गया है। तो हमारे पास आया 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स जो है हमारे पास कितना आ गया? एक्स कितना आया? 60 डिग्री। अब हमसे पूछा है कि द बिगर एंगल कौन सा है, इसमें जो है बिगर एंगल पूछा गया है, तो बिगर ऑब्वियस है 2x वाला होगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2x इज इक्वल टू 2 × 60, विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन जो है अमूमन टैट में पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन की आप तैयारी कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको टैट में बहुत हेल्प करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर हैज 48 लीटर ऑफ ऑयल। कितना ऑयल है उस शॉपकीपर के पास? हमारे पास है 48 लीटर का ऑयल है उसके पास। जैसे जैसे आप स्टेटमेंट क्वेश्चन की पढ़ते जाओगे, उसे रफ वर्क में लिखते जाइएगा, इससे जो है आपको एक क्वेश्चन का ओवरव्यू मिलता है और उसे सॉल्व करने में जो है आपको आसानी होती है। कहा गया है कि ही सोल्ड 5/8 ऑफ द ऑयल टू वन फैमिली। किसने कितना सोल्ड किया किसी फैमिली को? 5/8, 5/8 जो है इसने सोल्ड किया। तो किसका सोल्ड किया इसने 5/8? यह किया इसने 48 लीटर का। तो कितना आया? 30 लीटर बचा उसके पास। कितना ऑयल बचा अब उसके पास? देखो, 5/8 ऑफ 48 लीटर, 30 लीटर जो है उसने एक फैमिली को दे दिया, तो उसके पास बचा कितना? रेस्ट उसके पास कितना बचा? 48 - 30 कितना बचा उसके पास? 18 लीटर। कितना बचा हमारे पास? 18 लीटर। और 3 लीटर जो है उसने किसी और फैमिली को दिया है, तो हमारे पास कितना बचा? 15 लीटर। हमारे पास कितना बचा? 15 लीटर। अब हमसे पूछा है कि उसे 20 लीटर बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करें, तो हमें पता है 5 अगर हम 15 में ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 20 लीटर। तो हमारा जो ऑप्शन है बी, बी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पॉजिटिव अप्रोच को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनकम ऑफ रीता इज 25% मोर देन द इनकम ऑफ सीता। मान लेते हैं इनकम ऑफ सीता कितनी है? इनकम ऑफ सीता है हमारी मान लो 100 रुपीज, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इनकम ऑफ रीता जो है 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है, तो उसकी कितनी होगी? 125। ऑब्वियस है, तो डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आया 125 - 100 = 25। यानी जो रीता की जो सैलरी है वो सीता से 25% ज्यादा है, और तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो सीता की सैलरी है रीता की सैलरी से कितनी कम है? 25 कम है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, हमसे पूछा गया है कि देन सीता इनकम इज लेस देन रीता इनकम, कि सीता की इनकम कितनी कम है रीता की इनकम से,
सीता की जो इनकम है वो कितनी कम है, हमें यहाँ से पता चल रहा है कि 25 रुपए कम है। कितनी कम है? 25 रुपए कम है सीता की इनकम। किसकी इनकम से? रीता से। तो इसकी परसेंटेज निकालेंगे हम, कैसे निकलेगी? 25 कम है किसके रिस्पेक्ट में? रीता के रिस्पेक्ट में। रीता की कितनी थी? 125। और परसेंटेज के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। 25 वन जार 25, 25 वन जार 125, 5 2 जार 10, 0 विच इज इक्वल टू 20% है। अगर रीता की जो इनकम है 25% मोर है सीता की इनकम से, तो सीता की इनकम कितनी कम हुई रीता की इनकम से? 20% कम हुई। इसे हम एक और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जो फार्मूला है वो है, जो इनकम होगी एक्स ओवर, जो इनकम की परसेंटेज दी होगी एक्स ओवर एक्स प्लस 100 इंटू 100। ये फॉर्मूला, इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो कितने पुट करें, कितने परसेंटेज दी गई है हमें? 25 दी गई है। 25 ओवर 25 प्लस 100 इंटू 100, ये वही आ गया हमारे पास 25 ओवर 125 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 20%। लेकिन आप जो मैंने करवाया उसको समझ कर करेंगे तो आपको इन क्वेश्चन को करने में बहुत ही आसानी होगी। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है 1/8 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 2/5 द नंबर इज। लेट नंबर इज एक्स है। तो हमें बोला गया है कि 1/8 ऑफ द नंबर, नंबर कितना है हमारा? एक्स है। किसके बराबर है? 2/5 डिवाइडेड बाय 1/20। बिल्कुल सिंपल है। एक्स ओवर एट इज इक्वल टू 2/5। जब डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा तो यह जो है उल्टी हो जाएगी, 20/1 आएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। एक्स इक्वल टू 4 2 जार 8। जब 8 यहां से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 64। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 64। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यह जो डिजिट है 249636, यह किन नंबरों से जो है डिविजिबल होगा? तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट का जो है रूल बता देता हूं। 2 से कब डिवाइड होता है? जब जो है यूनिट प्लेस पे क्या हो? 0 2 4 8 हो। जब जो है यूनिट प्लेस पर 0 2 4 8 हो तो इसका मतलब है कि वह जो है 2 से डिवाइड होता है। 3 से कब डिवाइड होता है? 3 से आप देखिए, कहता अगर 3 से डिवाइड होता है तो आपने क्या करना है? इन सब का जो है सम करना है। अगर वो सम जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब है कि यह जो है 3 से डिवाइड होता है। जैसे यहां पर है 2 प्लस 4 6, 6 9 15, 15 6 21, 21 3 24, 24 प्लस 6 30। तो 30 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है। तो यह इसलिए 33 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए यह जो है यह पूरी टर्म जो है 3 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। 3 से जो है डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन जो टोटल वैल्यू है जो हमारी वो जो है 3 से क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। आइए 4 का देखते हैं। लास्ट टू डिजिट आपने सिंपल चेक करने हैं, लास्ट टू डिजिट। अगर लास्ट दो डिजिट किसी नंबर के डिवाइड हो जाते हैं 4 से, इट मीन्स कि जो पूरा नंबर है वो है 4 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर हमारे लास्ट दो नंबर क्या है? 36। 4 9 जार 36। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यह पूरा नंबर जो है 4 से भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 5 से आइए, 5 से देखते हैं। 5 से यूनिट प्लेस पर 0 और 5 होना चाहिए, तभी जो है पूरा नंबर जो है 5 से क्या होगा? डिवाइड होगा। और 6 से यूनिट प्लेस पर कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो जो पूरा नंबर है, सॉरी माफ कीजिएगा, 6 के लिए आपको जो है 2 और 3 का जो है डिवाइड होना चाहिए। 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तब जो है वह 6 से भी क्या होगा? डिवाइड होगा। अब हम देखते हैं 11 का। क्या देखते हैं हम? 11 का। आइए 11 का देखने के लिए आपको जो क्या करना है, आपको ध्यान देखना है कि ऑड प्लेस पर जो नंबर है उनसे सब्ट्रैक्ट करना है इवन प्लेस के नंबर। अगर हमारे पास 0 आए और डिविजिबल बाय मल्टी, यानी डिविजिबल बाय 11 या मल्टीपल ऑफ 11 लिख सकते हैं आप, मल्टीपल ऑफ 11 हो, तो उसका क्या मतलब हुआ कि यह जो डिजिट है जो हो 11 से भी मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड जो है हो जाएगी। तो इस तरह समझ आ गया होगा। तो अब आप यहां पर इसको देखकर बता सकते हैं ऑप्शन में, हमारे पास जो है 2, 3, 4 से जो है यह डिवाइड इजिली हो जाता है। और हमारे पास नंबर 9 भी रह गया था। 9 अगर सम
डिजिट्स का सम 3 की तरह 9 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है कि वह जो डिजिट है वो किससे डिवाइड हो जाता है, 9 से भी क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है इंटरेस्ट के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन 12,000 एट द रेट ऑफ 100% पर एनम फॉर 1 month है, तो इंटरेस्ट कितना होगा? बिल्कुल सिंपल है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। हमारे पास जो प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है हमारे पास, 12,000 दिया हुआ है, और रेट कितना दिया है, रेट दिया हुआ है 10%, और टाइम 1 month। बिल्कुल इजी है, सिंपल। इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है, पी आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, पी आर टी डिवाइड बाय 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 12,000 है, रेट कितना है हमारे पास, 10 है, टाइम कितना है, 1 month है, डिवाइड बाय 100, तो यहां से कितना आया हमारे पास, आया 1,200 रुपीज। यह जो क्या है, यह है सिंपल इंटरेस्ट हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया निकालो, कि सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, कितना होगा कि अगर हमारे पास जो है रेडियस दिया गया है, रेडियस कितना दिया गया है, 4 r। पहले तो हमें सर्कल का एरिया आना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। जब तो सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, जब सेमी सर्कल होगा उसका एरिया कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, और हमारे पास आर कितना दिया गया है, 4 r, तो कितना आएगा, 1/2 pi 4 r का होल स्क्वायर, तो कितना आया हमारे पास, 4 4 जार 16/2 pi r² विच इज इक्वल टू 8 pi r² विल बी अवर राइट आंसर। आई होप मेरे द्वारा समझाए गए क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। कल से अब हम इसके मैथ्स के ऊपर रिवीजन करेंगे, इसके फॉर्मूलाज के बारे में देखेंगे, तो कल वाली वीडियो तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो के लिए बने रहिए पॉजिटिव अप्रोच के साथ। जय हिंद, जय हिमाचल।